हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी के बयान प्रेस नोट पे विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने दोस्तों घोर आपत्ति दर्ज की है। जहां बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी ने विधिक और सरकारी आंकड़ों से पंचायत चुनाव के दौरान 3 शिक्षकों की मृत्यु का दोस्तों दावा किया है और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के अलावा नौकरी, जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। दोस्तों, जब से ये स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया, विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने इस पर घोर आपत्ति और आक्रोश दोस्तों दर्ज किया, क्योंकि विभिन्न शैक्षिक संगठनों का मानना है कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जो भी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी रहे वो COVID-19 की जद में आए, उसकी गिरफ्त में आए, इन्फेक्शन के चलते उनकी दोस्तों डेथ हुई है और वो इन्फेक्शन और बॉडी की इम्यूनिटी के आधार पे जिन लोगों ने जितने दिन भी सरवाइव किया है वो एक अलग इशू है। आते हैं, देखते हैं कि माननीय मंत्री जी के प्रेस स्टेटमेंट पे विभिन्न शैक्षिक संगठनों के जो पदाधिकारीगण हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं। शिक्षक संगठनों ने मंत्री के बयान पर जताई नाराज़गी। वहीं मंत्री जी की ओर से जारी बयान के बाद शिक्षक संगठनों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए अमृत विचार पत्र से बातचीत के दौरान अपना पक्ष भी रखा। सभी ने इस बयान को गलत बताया और कहा आगे भी शिक्षक हित में लड़ाई जारी रहेगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा दोस्तों क्या कहते हैं। आप कहते हैं, प्रदेश में 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत हुई, सभी के नाम पते हमारे पास हैं, हम जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति के लिए निर्णय लेंगे, शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सरकार को मदद देनी ही होगी। वहीं दोस्तों महेश मिश्रा जी हैं मंडली अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। कोरोना वायरस से सिर्फ एक दिन में मौत नहीं होती, इन्फेक्शन के बाद मौत होती है, अतः उन शिक्षकों की संख्या को सम्मिलित किया जाए जो मतगणना प्रशिक्षण अथवा मतदान की प्रक्रिया के दौरान संक्रमित हुए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम सुलोचना मौर्या जी के स्टेटमेंट की। अप्रांतीय अध्यक्ष हैं महिला शिक्षक संघ। सरकार हालात को समझने की बजाय अपनी ही चला रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव से ही अधिकांश शिक्षक कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, तभी उनकी मौत हुई है। उसके बाद दोस्तों विनय कुमार सिंह जी हैं प्रांतीय अध्यक्ष PS PSA। आपका कहना है कि शिक्षकों की गलती है, जब वह संक्रमित हुए थे तो उन्हें चुनाव ड्यूटी के दौरान ही दम तोड़ देना चाहिए था, उनको अस्पताल या घर में मरने का कोई अधिकार ही नहीं था, सरकार मनमानी कर रही है, इसका जवाब शिक्षक चुनाव में देंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, रीना त्रिपाठी जी हैं कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। हम चुनाव के दौरान की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव से प्राप्त संक्रमण के कारण जो शिक्षकों की मृत्यु हुई है सरकार उनको सहायता राशि प्रदान करे और उनके मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दे। आगे दोस्तों यूटा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। आप दोस्तों क्या कहते हैं। आप कहते हैं, सरकार चुनाव में संक्रमण के कारण दिवंगत हुए शिक्षकों की मृत्यु का मजाक कदापि न बनाए, सरकार शासनादेश में सुधार कर सभी मृतक कार्मिक के परिजनों को अनुग्रह राशि दे, अन्यथा की स्थिति में संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। तो दोस्तों किसी भी शैक्षिक संगठन के गले ये बात नहीं उतर रही है कि महज 3 शिक्षक ही पंचायत चुनाव में COVID-19 के संक्रमण के दायरे में आए, उनकी मृत्यु हुई। एक्चुअली प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से है,
और जो व्यवहारिक सत्य है दोस्तों वो ये है कि कोविड-19 की गिरफ्त में पंचायत इलेक्शन में शिक्षक आए, कोरोना वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए, अस्पतालों में या घर में इलाज के दौरान दोस्तों उन्होंने दम तोड़ दिया। वास्तविक सच्चाई और राज्य निर्वाचन आयोग के दावे के बीच में कहीं ना कहीं कोई अंतराल है और इस अंतराल को दोस्तों भरने की बहुत ही बड़ी इस समय ज़रूरत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, चैनल पे कमेंट करो, इसे आप जैसे दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।